फ्लैश न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राज्य में कथित स्वास्थ्य उत्पादों की खरीद के घोटाले के कारणों के चलते हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने अपने पद से दिया इस्तीफा। कोस्टारिका समलैंगिक विवाह को वैध मानने वाला नवीनतम और लैटिन अमेरिका का छठा देश बना, जिसकी राजधानी सैन जोस है। एक शिवलिंग जो 9वीं शताब्दी के हिंदू देवता शिव का प्रतिनिधित्व करता है, ईएसआई ने पुनर्स्थापना कार्य के दौरान वियतनाम के चाम मंदिर परिसर में खोजा। भारत और वियतनाम की संस्कृति में समानता के प्रमाण प्रस्तुत करता है यह शिवलिंग। चाम मंदिर परिसर यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल का है हिस्सा। अब करंट अफेयर्स विस्तार से। सबसे पहले ब्यास प्रश्न, कटहल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत, चीन, अमेरिका या जापान? इसका आंसर कमेंट में दीजिए, वीडियो के लास्ट में हम इसका आंसर देंगे। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर लेटेस्ट अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। स्लाइड में जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं उनका नाम है मेजर सुमन गवानी। मेजर सुमन गवानी ये टिहरी उत्तराखंड से हैं। संयुक्त राष्ट्र सैन्य जनरल एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से इन्हें नवाजा गया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सैन्य जनरल एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड, और ये अवार्ड पाने वाली ये भारत की पहली महिला है, पहली भारतीय है। ठीक है, आरटी लैंप क्या है? COVID-19 रैपिड टेस्ट किट है आरटी लैंप। इसका जो निर्माण है यानी इसको विकसित किया है CSIR, IIIM और रिलायंस ने मिलकर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद कल हमने चंबा सुरंग की बात की थी, तो जो चंबा सुरंग है वो चारधाम परियोजना के तहत विकसित की गई। जो चंबा सुरंग का निर्माण है वो चारधाम परियोजना के तहत किया गया। अब आपको याद ये रखना है कि चारधाम परियोजना में कौन कौन से स्थानों को जोड़ा जाएगा? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इन चारों को जोड़ा जाएगा। और जो चंबा सुरंग बनाई गई है वो नेशनल हाईवे 94 पे बनाई गई है, नेशनल हाईवे 94, NH 94। नेक्स्ट, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये टिड्डी हमलों की वजह से काफी चर्चा में है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और भारत में भी आजकल टिड्डी हमले आम बात है। भारत में सबसे ज्यादा जो टिड्डी हमले हो रहे हैं उनमें जो टिड्डियां हैं वो हैं थार टिड्डी, यानी रेगिस्तानी टिड्डियां। हॉर्न ऑफ अफ्रीका कितने देशों का समूह है, क्वेश्चन यहां पर यह है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये चार देशों का समूह है, सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। कमेंट करके आप चारों देशों की राजधानी और मुद्रा बताएं, देखते हैं आपको कितना याद है। नेक्स्ट, मोक्स क्लस स्पेशल निःशुल्क बस सेवा किस राज्य सरकार ने शुरू की है? मोक्स क्लस स्पेशल निःशुल्क बस सेवा राजस्थान सरकार ने शुरू की है, जिसके तहत 5 बसें संचालित होंगी जो हरिद्वार जाएंगी। ठीक है, यानी कोरोना महामारी के दौरान अगर किसी भी व्यक्ति की डेथ होती है तो उसकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित करने के लिए सबसे बड़ी समस्या है आज के दिन। तो इस संवेदनशील मुद्दे को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने यह योजना शुरू की, और इसके तहत जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उसके दो परिचितों को, यानी दो व्यक्ति, उस परिवार से दो सदस्य हैं, वो इस बस में यात्रा करके हरिद्वार जा सकते हैं। नेक्स्ट, एक नेशनल पार्क है जो काफी चर्चा में है, नागरहोल नेशनल पार्क। यहां पर एक टाइगर ने एक जनजातीय पुरुष की हत्या कर दी, यानी उसको मार दिया, इस वजह से यह चर्चा में है। इसके अलावा बनेरघट्टा, अंसी नेशनल पार्क, बांदीपुर, ये भी कर्नाटक में है, याद रखना। कर्नाटक राज्य एक दूसरी वजह से भी चर्चा में है, क्यों? अभी जो लॉकडाउन का चौथा चरण है ये 31 मई को कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो कर्नाटक जो सरकार है उसने घोषणा की है कि 1 जून से हम मंदिर, मस्जिद और चर्च को खोल देंगे, इसलिए ये चर्चा में है। नेक्स्ट, कोस्टारिका, ये मध्य अमेरिका का देश है और ये लेटेस्ट देश है जिसने समलैंगिक विवाह को कानूनी करार दिया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, संजय कुंडू, ये न्यू DGP होंगे हिमाचल प्रदेश के, 1 जून को ये अपना पद ग्रहण करेंगे। उसके बाद हिमाचल के सहकारी बैंकों को नाबार्ड की ओर से 350 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई है, ये आपको याद रखना है। हिमाचल के सहकारी बैंकों को नाबार्ड की ओर से 350 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई है। अब अभ्यास प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था, कटहल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कटहल को जैकफ्रूट भी बोलते हैं,
इसका आंसर होगा भारत। भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चलते चलते आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न छोड़ के चलते हैं, जिसका जवाब आप कमेंट में दीजिए और उसका उत्तर, सही उत्तर हम कमेंट में ही देंगे। इंटरपोल का मुख्यालय कहां स्थित है? जिनेवा, हेग, वाशिंगटन या लियोन? फिर से सुन लीजिए, इंटरपोल का मुख्यालय कहां स्थित है? जिनेवा, हेग, वाशिंगटन या लियोन?